They offer the madness. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. I'm going to keep on admitting more people. There have been so many people who have been waiting. कब से हमें messages आ रहे हैं कि आप time 7 बजे कर दें. We cannot do that for many reasons. और भी ज़्यादा late करने का जो हमें इस वक्त pressure है वो this is not possible. So let me just keep announcing 2 or maybe 3 days before. अगर कोई अर्जेंट ट्रैवल हुआ तो एक दिन पहले हम टाइम रिलीज करेंगे, बट इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते हम सीरा की क्लास को. कभी कभी 4 बजे मेरा जो प्लान है कि 4 बजे हुआ करे, बट सो मेनी पीपल हैव कंप्लेन अबाउट द टाइमिंग ऑफ द क्लास. यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें मैंने लाइव इंटरेक्शन नहीं लेना, और लिया भी तो क्लास रिकॉर्डिंग के बाद लेना मैंने. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट देयर कैन ओनली बी वन क्लास. So let's just begin. Let me just keep admitting all the people जो कि waiting room में आ रहे हैं. अभी let me just open the chat just to see if मेरी audio आ रही है सबको. अभी आ रहे, आवाज आ रही है. Let's just fix the sound issue. It's okay. अभी ठीक हो जाएगा. अभी ये बताएं, अभी भी echo आ रहा है आपको? अब echo नहीं आना चाहिए. I know कि echo क्यों आ रहा था. Okay. Let's officially begin the class. Alhamdulillah, अभी आवाज ठीक है. Okay, the purpose of holding this Sira class, पहले वो समझ लें आप. सबसे पहले तो वो purpose हमारा क्या है कि Sira को, नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हमें internalize करने की science समझ आ जाए. There is no doubt in my mind, as I speak on behalf of all Muslims, एक मुसलमान होने के नाते मुझे इस बारे में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है कि जो शख्स भी अपने आप को दुनिया में मुसलमान कहता है वो अपने नबी को सबसे पहले, सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे कामिल शख्सियत मानता है अपने दिल में. इसमें मुझे कोई शक नहीं. Nobody can doubt. Nobody has any basis to doubt. Nobody has any justifications कि मैं ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ बनिस्बत के किसी और बंदे को मैं जानता हूं. Now there is a problem that I need to solve. हर सीरा को इस तरह तफसीर लिखी जाती है. हर कुरान पाक की तफसीर के पीछे एक उसूल होता है. वो उसूल समझ लें ताकि आपको इस सीरा की क्लास का उसूल भी समझ आ जाए. कुरान पाक की तफसीर के पीछे एक उसूल ये होता है कि कुरान पाक की तफसीर लिखी जा चुकी, इतनी सारी लिखी जा चुकी है कि जब कोई एक शख्स तहिया करता है और उसमें इतनी फरासत होती है कि उसने दुनिया में कोई मसला, लोगों को जो मसले आ रहे हैं कुरान पाक को, दीन इस्लाम को समझने के, तो वो फिर कलम उठाए, तो उसमें इतनी फरासत होती है कि वो ये असूल समझ लेता है कि अगर तो पहले जितनी भी तफासीर लिखी गई थी इन मसाइल का हल उन तफसीर में है, कुरान पाक की जनरल इंटरप्रिटेशन के अंदर है, तो रादर देन कि वो नई तफसीर लिखे वो उस हल की तरफ राउट करने की किताबें लिखे, वो सोच उजागर करे जो कुरान पाक की तफसीर में जनरल मेन स्ट्रीम के अंदर पहले से पड़ी.
और अगर नहीं है, नया मसला आ गया है, या सोच का जाविया ऐसे बदल गया लोगों का, जनरल मास का, कि जो उन तफसीर में नहीं कवर हुआ था, बिकॉज हर कुछ सालों बाद, 100 सालों, 50 सालों, 1000, 200 साल, 300 साल के बाद, दुनिया अलग से एक अपना फ्लेवर, इतना सारे इंसान हैं, सो मेनी पीपल कम टुगेदर, जो भी उनके मकासद होते हैं दुनिया में रहने के, उसके बाद अपनी डेफिनेशंस जो है ना वो ऑल्टर करते हैं, सक्सेस की डेफिनेशंस, राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशंस, गुड और बैड की डेफिनेशंस, बिहेवियरल एडजस्टमेंट करती है। इसके पीछे एक नफ्सियात है, मैं तफसील से कवर करूंगा इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीरा। जैसे ही जी शऊर इंसान उन चेंजेस को देखता है, उस बिहेवियर को देखता है जनरल मैस के, और उसको जनरल मैस किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप यूथ में देखते हैं, फिर आप स्लाइसिस लेते हैं, यू नो, बालिग बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस के, जनरल वर्ल्ड व्यू से भी देखते हैं आप कि दुनिया किस नहज की तरफ गामजन हो गई, उसका अफेक्ट आम मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी खित्ते में, अफ्रीका में हो या इंडिया में हो, ब्राजील में हो या अलास्का में हो, अगर उन मेजर फोर्सेस का अफेक्ट आम इंसान के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद फिर आम मुसलमान के ऊपर भी आ रहा है, आम इंसान के ऊपर आ रहा है, तब भी उसूल वही लगेगा, मगर आम इंसान जो है वो गैर मुस्लिम, वो नबी अलैहिस्सलाम को, कुरान पाक को, दीन इस्लाम को अपना फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स नहीं गर्दानता, मुसलमान जो है करते हैं। इसलिए मुसलमान जब भी एक शऊर की सतह पे आता है और वो देखता है कि अच्छा मसला तो इस लेवल पे जा सकता है, तो उसी वक्त जुट जाता है वो, राइट अवे ही जंप्स टू द पेन, जंप्स टू द पेपर, jumps to the books to write, speak, do whatever he can to start the, you know, carry the message across ke yahan se hum kisi aur taraf nikal jayenge, ke jo mud gaye hum, ya is taraf jo aage turn lene lage hum, ya is waqt jo aapne apna jitna imtizaj badal liya insano ne, jo major factors hain unko usi waqt identify kare ke inka masla kya hai, aur usi waqt tanbeeh kare, पूरी तरीके से जो है वो ऐलान करें। हर नबी ने यही किया था, हमारा उम्मती होने के नाते ये फर्ज है कि हम तमाम अंबिया की इस सुन्नत को उसी वक्त जिंदा करें, कि जैसे ही हमें पता चले कि कोई फर्द या जमात या बड़ा ग्रोह या पूरी नौ बनी नौ इंसान, डिपेंड करता है आप किस लेवल के ऊपर अपने आप को स्कोप करते हैं, स्केल करते हैं, आप उसी वक्त आप ऐलान शुरू कर दें कि ये मसला नजर आना शुरू हो रहा है मुझे, और ये उसका हल कुरान पाक की रूह से या अहदीस की रूह से या सीरा की रूह से, आपने उस कॉमन सेंस की डेफिनेशन के ऊपर उतारना होता है जो इस वक्त दुनिया ने अपनी सेंस के अंदर एस्टेब्लिश कर लिए थे। अब कुरान पाक की जब कोई तफसीर लिखी जाती है तो उसूल क्या वजह होते हैं कि ऐसा कोई मसला जिसका हल पहले से लिखा गया है आपने दोबारा से नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। आपका बेहतरीन काम यह है कि आप उसको उस किताब की तरफ, उस सोच की तरफ गामजन कर दें, राउट कर दें। अगर मसला नया है और हल नहीं लिखा गया, तो फिर सबसे पहले उसकी एस्टेब्लिशमेंट करें कि जो आपने हल सोचा है आपने, वो अल्लाह के असूलों के, नबी इस्लाम की सीरा से, सहाबा की लाइफ से वो साबित होता भी है कि नहीं। अगर वो साबित होता है तो उसको और आर्ग्यू करें, पहले तो प्रेजेंट करें, फिर अगर वो कंटेस्ट नहीं होता तो यू नो गो थ्रू दैट इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस कि क्या मैं उस डेप्थ को पकड़ भी रहा हूँ कि जिस डेप्थ से इस वक्त की और इससे आगे आने वाली कुछ नस्लों का कोई फायदा हो भी सकता है कि नहीं। अगर आपको ये सेंस क्लियर हो रही है, और फिक्र नहीं करें, हर इंसान की हो जाती है, एक्सपोजर की बात होती है, तो आपने सबसे पहले उन असातिज़ा को पकड़ना है, उन अहबाब को पकड़ना है जिनके अंदर इल्म का और खैरखाही का जज्बा आपको नजर आता हो। आप उन तक पहुंचे और उनसे कहें कि ये मैंने मसला देख रही है, या ये मेरे ख्याल से मसला आएगा इस वक्त जिस भी आप जहत में देख रहे हैं, तो वो मसला किस तरीके से मेरे ख्याल से हल हो सकता है। आपने ये सबसे पहले ये शनाख्त करनी कि वो मसला जो है ना, आपने मतलब उसके ऊपर होमवर्क किस लेवल का किया हुआ। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे ही हम सीरा के ऊपर बात करेंगे तो हम
ये दिक्कत आएगी हमें मुसलमानों के तमाम मुसलमानों के दिमाग में दिक्कत आएगी कि ये वाला पेडिस्टल कुरान पाक के ऊपर जब रखते हैं हम तफसील लिखने से पहले कि इस मसले का हल पहले से नहीं लिखा गया तो उसी वक्त जुट जाएं प्रॉपर मुनज्जम काविश करें तमाम तर मुताला करें कि ये वाले मसले का हल पहले से मौजूद है कि नहीं, रिसर्च हो गई है तो कोई बात नहीं उस तरफ राउट करें, अगर नहीं है तो उसी वक्त लिखें कि इसका हल क्या, और पहुंचाएं लोगों को, बताएं लोगों को, गो इन टू स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड यू नो प्रोपगेटिंग दैट मैसेज। सीरा के साथ कभी भी ऐसा आप नहीं देखेंगे सिवाय इसके के कुछ चंद जगहों के ऊपर सीरा से इस्तदलाल करके वो वाले मसाइल का हल बताया जाता है कि जो कुछ स्कॉलर्स किसी एक जरीदे में लिख देंगे, अपने किसी ओपिनियन को जाहिर कर देंगे। दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि सीरा इटसेल्फ इज मोर रिलेटेबल टू द ह्यूमन माइंड, वे मोर स्पेसिफिक टू द रेगुलर ह्यूमन बींग, बिकॉज वी understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a man, as a human being, we understand him. Hum Allah Taala ko us tarike se internalize nahi karte jo ki karna chahiye, main aata hu uske upar, hamare bahut chapters ko cover hone. Nabi Islam ko hum us tarike se internalize kar sakte hain. To seerah should have been your primary weapon. That's my plea to all human beings. Jahan bhi abhi aap dekhenge ki main baat kar raha hu, wahan bhi aap dekhenge ki main Quran Pak se pehle seerah ki jo hai na wo प्लेसमेंट करता हूँ कि पहले आप सीरा के पहले सीरा पढ़ें, उसके थ्रू कुरान पाक में दाखिल। कुरान पाक ही है हमारा मकसद, अल्लाह तक ही पहुँचना हमारा मकसद है, मगर अल्लाह तक पहुँचने का बेहतरीन राउट जो है वो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। ना ये मैं आपको क्यों ये केस बना रहा हूँ, क्योंकि हमने जब ये डिस्कशन शुरू की सीरा की क्लास की तो हमने सबसे पहले इसका स्कोप डिफाइन करने की कोशिश की कि सीरा तो पहले से इतनी पढ़ी हुई है, कोई एक सीरा की किताब पकड़ता हूँ एक एक सफ़ा करके सुनाना शुरू कर देते हैं, उसमें ऐसा क्या मुज़ाहिका। मगर वी नाउ नो कि ये सीरा की क्लास नहीं है, ये साइकोलॉजी की क्लास है, ये इस्लाम की एज अ मुस्लिम साइकोलॉजी क्या होना चाहिए उसकी क्लास है। इस वक्त कौन सी प्रॉब्लम है, आगे कौन सी प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं, उसको सीरा से हल कैसे करना है उसकी क्लास है। और अल्लाह ताला की साइकोलॉजी समझना एक इंसान की बस की बात नहीं, मगर नबी अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी और नफ्सियात समझना हमारा ना सिर्फ बस की बात है बल्कि फर्ज है एक मुसलमान का, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द फाइनेस्ट पॉसिबल एक्शन इन एनी गिवन सिचुएशन पहले समझाया जाए कि इससे बेहतर इजहार अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इंसानों की लाइफ कैसे गुजारी जाए, ना इससे पहले बल्कि उसके बाद तो होगा भी नहीं, ना इससे पहले कभी किया और ना ही हमारी समझ में आ सकता था। इंसानों की सोच भी, इंसानों का इल्म भी, इंसानों की बेसिक तमद्दन और तहजीब के बेसिक पैरामीटर्स इस लेवल तक पहुंच चुके थे कि नाउ देयर वाज द टाइम दैट अल्लाह सुब्हान व तआला सेड कि अब इंसान इस लेवल पे प्रिपेयर हो गया है, इस लेवल पे एक्सपोज हो गया है उन तमाम तर चीजों का कि जो मैंने जमीन में छुपा के रखी थी, वो उन उलूम की तरफ उसको सेंस आनी शुरू हो गई है कि अब वो टाइम, अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन को अनलीश कर दूं इन सब के सामने, अनवेल करूं अपनी खूबसूरत तरीन क्रिएशन को, बेनकाब करूं कि अब तुम इस काबिल हो गए हो कि अब तुम समझ सकोगे कि कयामत तक के लिए बेहतरीन तरीका क्या है जिंदगी गुजारने का। नबी अलैहिस्सलाम की प्लेसमेंट को सबसे पहले समझें ताकि आपको समझ आए कि नफ्सियात को देखना कैसे। अगर नबी अलैहिस्सलाम 1000 साल पहले आते, 500 साल पहले भी आते, लिटरली 500 साल पहले भी आते, तो आपके सामने हिस्ट्री आप खोलें तो आपको पता चलेगा कि इंसानी सोच किस लेवल तक, उलूम कौन कौन से उस वक्त राइज थे, कौन कौन से उलूम के ऊपर किस किस लेवल की एवोल्यूशन हो रही थी, ह्यूमन जो माइंड की एवोल्यूशन है, जहन कितना कितना इर्तका के मराहिल से गुजर चुका हुआ था। रेगुलर ह्यूमन लाइफ को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले तो कोई मतलब वो स्टेजेस ही नहीं आए, एक्सप्लोर ही नहीं हुई थी, वो एक्सपोजर था ही नहीं इंसानों का कि वो हम आजकल के इंसान या अगले 1000 साल बाद के इंसान भी उन चीजों से रिलेट कर सके।
ना उससे पहले जाना तो खैर क्या ही बात करनी, मगर अगर मैं आपको किसी भी और नबी की एग्जांपल देके उनकी सीरत से शुरू करूं, जो कि मैंने बहुत सारे अंबिया की कहानियों के बीच में इंसर्शंस डालने, मेरे सामने दो तीन किताबें हैं जो मैं आपको बताता हूं, अलबिदाया व नहाया है मेरे सामने, फतहुल बारी है मेरे सामने, ये बहुत जरूरी है। मैं अल्लाह की तरफ से इजिप्शियन स्कॉलर्स के साथ ही अटैच किया गया हूँ, ये केमिस्ट्री शायद मैच करती है। इब्न हजर अल-असक़लानी वाज माय फॉरमोस्ट सेंट्रल पिलर है मेरी लाइफ का, इब्न हजर अल-असक़लानी जो है द इजिप्शियन स्कॉलर, उन्होंने जो 25 साल लगा के ये किताब लिखी। फिर इब्न कसीर द सीरियन जिनकी बिदाया नहाया, और इब्न कसीर हदीस इब्न कसीर जो है वो मैं आपके सामने उस जैसे मैं आपको रेफरेंसिंग कर करके बताता रहूँगा, ताकि आपको पता हो कि ये मैं जहाँ पे अपनी ओपिनियन, जहाँ पे मैं नफ्सियात के एंगल्स बता रहा हूँ वो मैं खुद बताऊँ, वो वहाँ पे मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, वो मेरी अपनी ओपिनियन नहीं होगी बता रहा हूँ, मगर जहाँ जहाँ पे मैंने कोई भी हदीस कोट करनी है, जहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी रेलिवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री कोट करनी है, तो मैंने ये दो तीन स्कॉलर्स का और भी हैं, मैं साथ साथ बताता रहूँगा, मगर ये मेरा मेन सेंट्रल पिलर हो कुरान पाक की आयात, जहाँ पे रेफरेंस मैं बताऊंगा वहां पे मैं आयात का आपको हवाला साथ साथ देता रहूंगा। नाउ ये क्यों फर्स्ट सेशन के अंदर ये चीजें बतानी जरूरी हैं, ताकि आपको पता हो ना और सबको पता हो कि हम स्केल कैसे करें। ये जब मैंने अपने स्कोपिंग के लिए सादिया से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने भी किताबें खोलनी शुरू करके मुझे रेफरेंसिंग देनी शुरू की कि ये किताबों के थ्रू हमने सीरा के थ्रू जाना है। 1, 2, 3, 4 करते करते कुछ किताबें उनके पास, कुछ किताबें मैंने रेफर किया कि यहाँ से शुरू करते हैं। तो इंस्टेंटली सबसे पहला काम जो हमारे जहन में आया ना, जो सबसे पहला जो इंटिमिडेटिंग फैक्टर हमारे सामने आया कि अगर हमने 2 घंटे की क्लास भी की ना, 2 घंटे की भी की, तो एटलीस्ट 100 किस्तें बन जाती। सो ऐसे तो नहीं हो सकता, जितना कंडेंस कर सकते हैं इसको हमने कर। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे नहीं पता कि कितनी किस्तों तक जाएगा ये प्रोग्राम, बिकॉज हम 30 मिनट्स के अंदर जो सेशन है ना वो लॉक करके उसको दे देना है अपनी टीम को कि इसको आप स्प्रेड कर दें। इसके बाद जो Q&A अगर नौबत आई करना हुआ हमने, तो वो सेशन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोफेसर। हम मैंने बिदाया नहाया क्यों ली, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अलबिदाया व नहाया का को पिक करने का मकसद सीरा के लिए क्या था। अलबिदाया व नहाया एज द नेम सजेस्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जितनी भी नॉन इस्लामिक फ्लेवर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द होल यूनिवर्स, होल प्लैनेट, होल स्टोरी ऑफ यू नो द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टिल द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स इन एंड स्प्रेड्स द मैसेज, ये उन्होंने अपनी इस काविश में कवर करने की कोशिश की है। इतना ज्यादा इस्लामिक रेफरेंस्ड लिटरेचर मिस करने के काबिल नहीं है कहीं से। वैसे भी मैं चाह रहा था हर मुसलमान लड़का लड़की अलबिदाया व नहाया को एटलीस्ट एक दफा जरूर, थॉरली एक दफा जरूर उसमें से गुजर चुका हो। फतहुल बारी जो है वो हदीस की शरह है, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सही बुखारी तो एटलीस्ट घर पे हर एक मौजूद होगी, तो शरह तो खैर एक खास वजह से और मौके के ऊपर उठाई जाती है। ना ही मसाइल में जाना मेरा काम है, ना ही फतवा फतावा खेलना मुझे के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ हदीस, आई एम गोइंग टू जस्ट रेफर देम सो दैट दे कैन कनेक्ट कि कहाँ से किस मौके के ऊपर यहाँ पे इस हदीस की साइकोलॉजी को, नबी सलाम के उन नफ्सियाती डिसीजंस को समझना है। देर विल बी सो मच डिटेल इंशाल्लाह जो कि हमने कवर करनी है इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ट्रेवल में हुआ तब भी हम ये प्रोग्राम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि जिंदगी रही और ऐसा मौका रहा कि वहाँ पे जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल हुई कि मैं आपसे बात कर सकूँ। नाउ कमिंग बैक, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग बिफोर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरा, ये बहुत जरूरी है। मैंने आज का जो 15-20 मिनट का टाइम लेना है आगे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ the placement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam inside the timeline, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने timeline नबी अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं करनी। मैंने timeline शुरू करनी है प्री आदम अलैहिस्सलाम से, जो कि अहदीस से बिल्कुल क्लैरिफाई करके मैं बताऊंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या चल रहा था, अहदीस क्या कहती हैं, और उसका ताल्लुक मैं साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम की प्लेसमेंट से और उन तमाम तर मामलात से जाहिर करूंगा आपको, जो कि स्कॉलर्स ने भी जाहिर किए,
जो कि हमें पता भी होना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब मैं मेरे पास जितना भी मुताला उन किताबों का आया कि जो इस वक्त दिमाग को पढ़ पढ़ के न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने भी समझा, तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने कितना परफेक्ट लूप बनाया था, और लगता बिल्कुल ऐसा ही था कि सारी की सारी प्रेपरेशन कुरान पाक के लिए ही हो रही थी। मैं तो मुसलमान हूं, मैं उसको कभी भी प्रूव कर सकता हूं। गैर मुस्लिम जब भी आपसे बात करेगा कि हाँ तुम चूंकि मानते ही कुरान पाक को, तो तुमने तो हर चीज कुरान पाक से कनेक्ट करनी है, इट्स अ नेचुरल बायस बायसनेस दैट यू ऑलरेडी हैव, बट इट मेक्स परफेक्ट सेंस एज अ मुस्लिम टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह के यहाँ तो तुक्के हैं नहीं। अल्लाह ताला को तो पहले ही पता था, अभी तो शैतान पैदा भी नहीं हुआ था जब अल्लाह को पता था कि कुरान कब नाजिल होना है, अल्लाह को तो सब पता था। सो ये सारा का सारा मामला, ये सारा बसात, ये सारा मैदान जंग जो शैतान और इंसान के बीच में होना है और उसके आंसर्स कुरान पाक में कैसे आने, ये सब का सब समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने जब फर्स्ट टाइम कुन किया का हुक्म सादिर किया और पहली क्रिएशन हुई, तो अल्लाह ताला को पता था कि क़यामत से पहले पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आना। सो ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं कि आपको पता हो कि किसी ऐसे ही कैजुअली और हैपहैज़र्ड तरीके से और रिएक्टिव साइकोलॉजी के थ्रू नहीं अल्लाह ताला ने ये तमाम इंतजाम किए। ये सबसे पहले ये जो मैं बुत देखता हूँ ना, ये मोल्ड देखता हूँ, ऐसे इसको मोल्ड बोलना चाहिए, जो जहन पक्का किया जाता है मुसलमान लड़के लड़की का बचपन से ही, कि जैसे हमें लगता है कि मामलात ऐसे होना शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने वैसे डिसीजन लेना शुरू कर दी। मैं एक स्कॉलर को जानता हूं जिन्होंने बहुत प्रॉपर जरीदे लिखे थे, पाकिस्तानी नहीं है वो, अरेबियन है, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ के अंदर से वो आयत निकाल के ये बात प्रूव भी की है कि अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को इख्तियारी बनाया है, कुछ चीजें वो इख्तियार में रखता है, तो अल्लाह ने वो छूट दी है उन मामलात में, तो अल्लाह ताला उस छूट को फिर देखते हैं और फिर उसके बाद खुद उनकी प्लानिंग के मुताबिक खुद भी प्लान फिर साथ साथ ऑल्टर करते हैं। नाउज़ बिल्ला, दिस इज अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द बिलीफ that we have about our Rabb, कि अल्लाह ताला ने reactive psychology में कोई भी इंसान, कोई भी मामला कायनात का, पूरी कायनात, कायनात हजार कायनात बन जाए और कोई ऐसा मामला निकले जो अल्लाह को सरप्राइज कर सके। मैं ऐसे रब को की डेफिनेशन के खिलाफ हूँ कि जो मुसलमानों में बिठाई जाए कि इन्होंने मकर किया तो फिर अल्लाह ने भी मकर किया, और अल्लाह तो बेहतरीन माकरी, अल्लाह इज द finest ऑफ ऑल planners। इस आयत के नीचे उन्होंने ऐसे भी मामलात की कोशिश की। ये आप सबको पता हो कि अगर हम उस रब को मानते हैं जो कि हम मानते हैं कि अल्लाह को सब पहले से पता था, तो फिर आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की जो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी टाइमिंग के लिहाज से अपनी परफेक्शन अचीव करती है। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला को नबी अलैहिस्सलाम की बौसत से नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से ही पहले वो परफेक्शन ऑफ द टाइमिंग जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में कंट्रोल में रख के उस पॉइंट इन टाइम को भी मुतय्यन किया हुआ था कि अब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आना है। ये गौर से समझें इस बात को। मैं बहुत बहुत स्लो करके चल रहा हूं ताकि किसी भी लेवल पर कोई कसर ना रहे कि इंसानी नफ्सियात, जो शख्स ये सेशन सुनेगा कभी भी, उसको सबसे पहले ये एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी है कि अगर उसने नबी अलैहिस्सलाम को समझना है जैसे के हक है, और मुझ जैसे एक नाहल बंदे की औकात नहीं कि वो अला हक भी जाहिर कर सकूं कि नबी अलैहिस्सलाम को समझना कैसे, तो जितनी भी मैं कोशिश कर सकता हूँ उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती को समझना है तो सबसे पहले आपको अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती को समझना पड़ेगा। इतने सारे मामलात आपको आएंगे, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे आप सीरा के अंदर, हदीस के अंदर, वो तब तक आते रहेंगे जब तक आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हस्ती को अपनी पूरी रबूबियत, उलूहियत और तमाम तर कायनात का सबसे एक एक जर्रे के बारे में, एक एक जर्रे की क्या फ्यूचर, क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट है, एक एक जर्रे के साथ होना क्या, क्यों होना है, सब का सब अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है। मेरा रब अलीम खबीर है, अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा मामला अपनी मर्जी से तय किया हुआ। ये जब तक आप अल्लाह की उलूहियत को उस तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आपको नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती उस तरीके से आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते अपने जहन में। और आजकल का मुसलमान कर यही रहा है, आजकल का तमाम तर मुसलमान वो नबी अलैहिस्सलाम को उस पेडेस्टल पे नहीं रख रहा कि जिस पेडेस्टल पे रखने का हक है, क्योंकि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हस्ती को सही तरीके से समझ नहीं रहा।
इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि टाइमिंग ऑफ द प्रोफेसर एंट्री टू दिस प्लेनेट इट अमंगस्ट अस एज मियर फिल्थी ह्यूमन बींग्स के अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने सबसे पाकीजा अपनी हस्ती को जब दुनिया में लेके आना था उसकी टाइमिंग क्या होनी थी, उसके पीछे क्या क्या मामलात हैं, वो समझने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि पहले अगर आ जाते तो हम वो फायदा ना उठा सकते नबी इस्लाम से, अगर 500 साल पहले आते, और अगर 500 साल बाद आते तो हम वो कदर ना कर सकते, याद रखिएगा। ये मेरे सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं, ये भी मेरे साथ ने इसके ऊपर भी इजहार किया है कि अगर 1000 साल बाद नबी इस्लाम आते या 500 साल बाद तो हमने वो वाली कदर नहीं करनी थी नबी इस्लाम की कि जो उस टाइम के ऊपर मतलब इतनी प्रिसीजन है अल्लाह ताला के यहाँ, इतनी सुप्रीम मेजेस्टिक प्रिसीजन है सिर्फ प्रोफेसर सल्लम की खाली एंट्री टू द प्लेनेट के अंदर। सो ये मैं क्यों आपको तमहीद बांध रहा हूं ताकि आपको पता हो कि जब तक अल्लाह नहीं समझ आएगा तब तक आप सीरा के कॉन्सेप्ट को उस तरीके से इंटरनलाइज नहीं कर सकेंगे। ये मैं कई दफा बताऊंगा आपको, मैं प्रूव करके भी बताऊंगा, मैं उसकी रिलेटेबिलिटी भी बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी दूंगा कि अल्लाह सुबहाना ताला को समझना हमारा मकसद है। सीरा के थ्रू हमने अल्लाह सुबहाना ताला को समझना है, याद रखिएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती के थ्रू, उनके एक्शंस के थ्रू, उनकी लाइफ के थ्रू हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल तक पहुंचना है, याद रखिएगा। मुसलमान का मकसद उसका रब है, बहुत गौर से समझिएगा इस बात को। जितने भी मामलात सीरा में हुए हैं वो एक आम इंसान के लिए जो सबसे कमजोर ईमान का है, बिल्कुल लाइल में जाहिल है, उस तमाम तर इंसानों के अंदर वो एहसान किए नबी इस्लाम ने कि वो अल्लाह तक पहुंच सकें, अल्लाह ताला को पहचान सकें, अल्लाह ताला के उन तमाम मामलात के ऊपर गौर व फिक्र कर सकें और अपने आप को उस मरतबे तक लेके आए जिस मरतबे के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया था। ये बहुत गौर से समझने वाली बात है। अब मैं एकदम ट्रांजिट करता हूँ क्योंकि अब आपके जहन में वो नक्शा बनाना जरूरी था और मैं ये नक्शा बार बार रिइटरेट करूंगा हर सेशन में जब भी मौका मिलेगा कि यहाँ पे नफ्सियात के अंदर इस फाउंडेशन स्टोन को बिठाना जरूरी है। अब नबी इस्लाम से सीरा से पहले आप ये समझ लें कि नबी इस्लाम की सीरा से पहले नफ्सियात में एक मुसलमान के जहन के अंदर उस लफ्ज का नक्शा, उस लफ्ज की जो है ना मेक, वो क्या होनी चाहिए कि जिसमें हम कहते हैं मुझे तो नबी अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप से भी, अपने बच्चों से भी, अपने बहन भाई से भी, अपने आप से भी ज्यादा अजीज है। ये याद रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ये मेरा आज का मकसद है और मैं इसी मकसद को लेके अगली और शायद उससे भी अगली किस्त करूंगा। ओके, ये याद रखिएगा, जब तक मैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ लव ना आपके सामने क्लियर कर दूं तब तक मैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुरत भी नहीं करूंगा जाने, बिकॉज अगर हमने इस कॉन्सेप्ट ऑफ लव को नहीं समझा तो फिर आम सी कोई हमने डिस्पोजिशन दे देनी है और वो उससे कम हुई कि जितना हक है नबी सल्लम के बारे में सोचने का, तो फिर मैंने ज्यादती कर दी और गुनाह कर दिया और नाइंसाफी कर दी और आपकी मेंटल डिस्पोजिशन हिला दी, जो कि किसी भी एक बंदे की भी हिल गई तो सवाल मेरे से होगा इस लेवल के, इस स्टैंडर्ड के ऊपर। क्योंकि हमने भी बात क्या शुरू की है, अल्लाह का सबसे कीमती एहसासा, अल्लाह ताला का सबसे कीमती तोहफा हमारे लिए, एहसासा नहीं तोहफा, अल्लाह ताला का सबसे कीमती तोहफा जो कायनात के लिए वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो टॉपिक हमने पकड़ लिया। इट्स द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मुस्लिम, किसी भी शक में मत रहिएगा इसकी नजाकत का, अपनी अहलियत के मुताबिक मुझे अंदाजा है, मेरी टीम को अंदाजा है, हम बहुत कॉशियस हैं कि कोई भी ऐसी बात ना कर दें कि जिससे वो डिस्पोजिशन कम हो जाए कि जितनी कि डिस्पोजिशन एटलीस्ट होनी चाहिए एक मुसलमान की नबी इस्लाम के लिए। वो सोचता कैसे नबी इस्लाम को, नबी इस्लाम के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले आप एक सेकेंड के लिए सीरा से बाहर आ जाए, इस वक्त हिस्ट्री से बाहर आ जाए, इस्लामिक लिटरेचर से एक सेकेंड के लिए बाहर आए और अपने अंदर ट्रांसफर करें, अपने आप को, अपनी सोच को अपने अंदर ट्रांसफर करें और अपने बारे में सोचें। आपने अपने अंदर इस कॉन्सेप्ट ऑफ लव को किस तरीके से इंटरनलाइज किया? ज्यादातर मुसलमान जो कि मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे क्या नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, सबको, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। वो क्लेम तो करते हैं कि हम नबी इस्लाम से बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मैं भी क्लेम करता हूँ, आप भी क्लेम करते हैं, मगर उनके एक्शन से
जाहिर नहीं होता बिकॉज वो क्लेम इवन दो वेल इंटेंडेड होता है जेन्युइन होता है एज मच एज दे कैन होता है एज मच एज दे कैन क्लेम ऑफ कोर्स मगर उनके एक्शंस में ट्रांसलेट नहीं हो रहा होता। हालांकि कॉन्सेप्ट ऑफ लव के थ्रू अपनी बीवियों से अपने शोहरों से अपने बच्चों से वो जिस लेवल के ऊपर बिजी होते हैं जितने बिजी ये लव जितना हमें बिजी करता है ये प्यार ये इश्क ये मोहब्बत ये उल्फत ये जो उनसियत है जितनी हमें बिजी करती है मसरूफ करती है उस बंदे के ऊपर जिस बंदे से हमें प्यार होता है उतना मसरूफ हमें अपने नबी के लिए क्यों नहीं किया जाता। लोगों की बात नहीं हो रही इस वक्त। डू नॉट ब्लेम एनीबॉडी फॉर द लैक ऑफ प्रेजेंस और द शियर प्रेजेंस और द मियर यू नो ट्रेसेस ऑफ लव विद इन योर ओन हार्ट। दुनिया में कोई भी इंसान किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकता, याद रखिए। जो मर्जी करवा सकते हो हम, साइंस को भी पता है और कॉमन सेंस का भी तकाजा ये कि मेरे कहने से आपने नबी अलैहिस्सलाम को प्यार नहीं करना, ऑर्डर नहीं किया जा सकता प्यार करने का, इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती प्यार करने की। तो जब भी ये हदीस पढ़ेंगे ना कि तुम में से कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता, आपका मोमिन नहीं, ईमान लेके ईमान आई नहीं उसके अंदर तब जब तक के कोई एक शख्स भी आहद हुकूम एक भी शख्स ये नहीं कि चले जी एक्युमुलेटिव है कभी हो गया कभी नहीं, तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक कि उसके अंदर वो वाला मोहब्बत का जज्बा जो कि उसकी माँ के लिए है जो उसके बच्चों के लिए है जो कि किसी भी इंसान के लिए किसी भी शख्स के लिए किसी भी चीज के लिए अगर वो जज्बा नबी अलैहिस्सलाम की और अल्लाह और उसके रसूल की ऑफकोर्स अल्लाह उसके बाद अल्लाह के रसूल अगर वो जज्बा कंपेरेबल है तो आप अभी ईमान में आई नहीं। हज़रत उमर बिन खत्ताब से जब नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इशा फरमाई तो नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत उमर की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। हज़रत उमर वॉज एब्सोल्युटली ओपन अबाउट हिज फीलिंग्स द फाइनेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ मैन शुड कैरी हिमसेल्फ फाइनेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ द इमोशनल स्ट्रक्चर कि जो सोच रहे होते थे वो उन पर जाहिर होता था जो फील कर रहे होते थे वो जाहिर होता था। ओके सो और अल्लाह ने भी अल्लाह के यहाँ तुक्के तो नहीं है ऐसी जगह प्लेस किया उन खत्ताब को कि द मोस्ट रिटन अबाउट लिटरेचर अबाउट वन मैन अदर देन द प्रोफेट इस्लाम अगेंस्ट और फॉर इस्लाम आफ्टर द प्रोफेट इस्लाम इज उमर बिन खत्ताब। तो सोचें तो सही कि कैसे हो रहा है। प्लेसमेंट थी अल्लाह ताला की टाइमिंग थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब इतने रोबस्ट से अपने एक्सप्रेशन के अंदर इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव थे अबाउट हिज इमोशंस कि नबी इस्लाम ने कहा ना कि उमर बिन खत्ताब तू तब तक ईमान के उस तकमील के लेवल पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि तू अल्लाह और उसके रसूल को अपने नफ्स से भी ज्यादा ना मोहब्बत करता हो। तो क्या तू अपने नफ्स से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने से भी ज्यादा मोहब्बत करता है ये मतलब है। तो उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा कि नहीं मैं नहीं करता यार रसूल मैं करता हूं आपसे बहुत मोहब्बत मगर मैं अपने से ज्यादा मोहब्बत तो नहीं करता आपसे। तो नबी इस्लाम ने कहा कि उमर बिन खत्ताब तब तक तो फिर ईमान के उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता कि जो अल्लाह को रिक्वायर्ड है। हज़रत उमर बिन खत्ताब की ये वाली मजलिस नबी इस्लाम के साथ बर्खास्त हुई। अगली मजलिस में वो उजलत में पहुंचे और कहा या रसूलल्लाह अब मैं आपको अपने नफ्स से भी ज्यादा अपने से ज्यादा प्यार करता हूं। ये समझें अगर वो उस वक्त उस तरीके से ना एक्सप्लेन करते अपने इमोशन को तो बाद में जो मजलिस हुई है उस मजलिस में इस एक्सप्रेशन की वो एक्विटी नहीं रहनी थी। तो नबी इस्लाम ने क्या इशारा फरमाया उमर बिन खत्ताब को क्या कि बिल्कुल सही पहुंचे उमर बिन खत्ताब अब तू ईमान के उस लेवल तक पहुंच चुका। ये मिसाल इतनी जरूरी है यहां पे देनी कि अशरा मुबशरा द फाइनेस्ट पॉसिबल प्रोपोनेंट ऑफ द इस्लामिक थॉट The biggest change that ever happened after the Prophet was Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala. This man was so involved in Islam, and all of whatever his life was. Whatever you read about his life, jab bhi aap Umar ibn Khattab ki life ke bare mein padhenge, to aapko pata chalega ki Islam ki basic tamam tar eentein, jahan tak duniya mein Islam ne pahunchna tha, uski basic buniyadein Umar ibn Khattab ka uspe signature milega aapko.
इन इट्स ट्रू एसेंस. मैं बार बार उमर खत्ताब को बहुत ज्यादा इन्वोक करूंगा, आली बिन अबी तालिब को बहुत ज्यादा इन्वोक करूंगा, सबसे ज्यादा मैं आली बिन अबी तालिब को इन्वोक करूंगा क्योंकि उनको थ्रू लिटरेचर हमें बहुत मिला है सीरा को की साइकोलॉजी समझने के से. अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं बहुत ज्यादा इन्वोक करूंगा. इन्वोक का मतलब है उनसे उनको खींच खींच के बार बार रेफरेंस में लेके आऊंगा ताकि आपको पता चले कि नबी इस्लाम से प्यार करना कैसे. मैं दो तीन और साहबी हैं जिनको मैं हज़रत अवैस करनी, बहुत ज़्यादा अबू ज़र ग़फ़ारी, बहुत ज़्यादा उनका जिक्र करूंगा ताकि आपको पता चले सलमान फारसी को कि नबी इस्लाम को इंसान देखते कैसे, देखना कैसे चाहिए. हाउ टू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फाइनेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैं आपको इनकी टेस्टिमनीज बताऊंगा अलग अलग वाकयात के ऊपर ताकि आपको और पूरे रेफरेंस के साथ फिक्र नहीं करें, जो कि आपको बताएगी वो एंगल कि नबी इस्लाम को इंसान देख, बेसिक हक क्या है नबी इस्लाम का कि उनको देखा कैसे जाए, कैसे इंटरनलाइज किया जाए, उस कॉन्सेप्ट ऑफ लव को समझना कैसे. अब जब उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की जब ये वाली हदीस हम तक पहुंची, नबी इस्लाम की हदीस इस वाक्य की, उसके बाद तो आम इंसान तो हिल जाता है कि हजरत उमर खत्ताब ये वाली हदीस मदीने में सारा का सारा वाक्य हो रहा है. मक्के की लाइफ भी गुजर चुकी है, मदीने में भी काफी लाइफ गुजर चुकी है और उस वक्त तक उमर खत्ताब ये कह रहे हैं कि मैं आपको अपने से ज्यादा प्यार नहीं करता. फिर जब वो इंटरनलाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, यार मैंने तो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं शर्मिंदा होना, मैंने तो नहीं शर्मिंदा होना, मैं तो वहां पर तो नहीं फेल होना, तो ये सोचें कि ये क्राइटेरिया क्या बन जाता है. ईसाइत के अंदर ईसा इब्ने मरियम के को प्यार करना ईसाइत की बेसिक आर्टिकल नहीं है. हज़रत ईसा को फॉलो भी करेंगे तो काफी है. यहूदी हज़रत मूसा से प्यार करें, उनसे उल्फत करें, बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं भी करें तो फॉलो कर लें काफी है. और क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ लव, बट लव इज नॉट द बेसिक आर्टिकल ऑफ फेथ इन क्रिश्चियनिटी. और समझें इस बात को, सारे के सारे अंबिया बनी इसराइल में आ गए, महावर्तन कह रहा हूं, बट कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज नॉट द बेसिक आर्टिकल ऑफ फेथ इन जुडाइज्म. जितना मर्जी क्रिश्चियन रोते रहे कि लव इज ऑल, जीसस इज ऑल लव, जीसस इज ऑल लव, या बट देयर इज नॉट एन आर्टिकल ऑफ फेथ इन योर रिलीजन. इन आवर रिलीजन लव इज द आर्टिकल ऑफ फेथ. इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ लव एंड वी मस्ट सेटल दिस. और अभी आप देखेंगे मुसलमानों को कि मुसलमान एज ए जनरल पॉपुलेशन एक रिजिड कौम है. रिजिड कौम का मतलब है कि वो यहूदियों वाली सख्ती रखते हैं अपने अंदर, तलवार हाथ में रखे हर वक्त बंदे को काटने की बात करते हैं. यहाँ पे सजा, ये भी सजा, वो भी सजा, सब कुछ ठीक है. आपकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लव है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. मैंने आपसे कहा तीन क्या, 10 किस्तें भी लग गई ना, जब तक आपकी नफ्सियात नहीं मैं बनाऊंगा तब तक नबी इस्लाम को मैं प्रेजेंट नहीं करना शुरू करूंगा. नबी इस्लाम की सीरा के पूरे के पूरे सेशन में एंट्री जो है वो बहुत बहुत केयरफुल करनी है मैंने. अब आते हैं नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी में द कॉन्सेप्ट ऑफ लव पे. नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी में द कॉन्सेप्ट ऑफ लव क्या है? नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी में द कॉन्सेप्ट ऑफ लव है कि मुझे अपनी बेटी से सबसे ज्यादा, अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है. नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी, अपनी माँ और अपने बाप से भी ज्यादा अपनी बेटी और बेटे से प्यार होता है. वो जेन्युइन लव है. बहाना भी हमने ये रखा कि माँ को सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार होता है, कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल कोई शक ही नहीं. इसको अनवेल करें, सर्जरी करें और देखें कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या क्या इमोशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ लव है क्या. इतना बड़ा इतराज है इस वक्त पूरी की पूरी वेस्टर्न रैशनल साइकोलॉजी को, रैशनल साइकोलॉजी को, क्योंकि मुसलमानों का ये आर्टिकल ऑफ फेथ क्यों है कि मैं अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार करूं. मैंने तो यहां तक सुना है और अभी आप भी सुनेंगे कि ये तो तुम्हारा रब अपना और अपने नबी के बारे में बायस्ड है, नार्सिसिस्ट है, अपने से प्यार करवाता है जबरदस्ती, अपने नबी से प्यार करवाता है, ये क्या बात हुई? गौर से समझे इस बात को, मैं समझाऊंगा क्या बात हुई ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट ऑफ लव को बिठाना कैसे. जब तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ लव को नहीं समझेंगे तब तक आप सीरा में एंटर नहीं होंगे. हम सब के सब कॉन्सेप्ट ऑफ लव को तब तक नहीं समझते जब तक वाकई हम इससे एक्सपोज नहीं होते. पेरेंट्स को एक्सपोजर मिलता है बच्चे पैदा होने पे, ट्रस्ट मी ये लॉ नहीं है,
ये लॉ नहीं है कि माँ बाप को वही प्यार हो ही हो, ये लॉ नहीं है, ठीक है, होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. काफी सारे माँ बाप हैं जिनको अपने बच्चों से वो वाला प्यार नहीं है कि जो बाकी के माँ बाप को है, कुछ काफी सारे क्या करोड़ों ऐसे माँ बाप है जिनको किसी एक बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है दूसरे से नहीं. सो इट्स नॉट अ लॉ कि जब एक आदमी औरत का बच्चा होगा वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के ऊपर सबके सब यकसा उतना ही प्यार करें, दैट्स नॉट अ लॉ. गौर से समझे इस कॉन्सेप्ट को, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूं. तो जब भी आप ये इंटरनलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि हाँ चूंकि मैं माँ बन गई हूं या मैं बाप बन गई हूं तो मुझे इस्लाम में नबी इस्लाम से प्यार करना आ गया, ऐसे नहीं होगा. इसको आपने परमानेंट और मोर स्टेबल पेडेस्टल के ऊपर बिठाना. ये कॉन्सेप्ट आने के पीछे जो साइकोलॉजी है वो समझ लें कि अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट ऑफ लव इंसानों के अंदर डाला, फिर इंसान को पैक करके डिलीवर कर दिया दुनिया के अंदर, वो पैदा हुआ है दुनिया में. अगर कॉन्सेप्ट ऑफ लव के साथ वो ना आता तो आर्टिकल ऑफ फेथ इन इस्लाम अल्लाह ना डालते. अब ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों से उतना प्यार करते हैं जितना कि वो कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं प्यार किसी चीज से नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं. अदरवाइज काफी सारी एक्सेप्शंस क्रिएट की जा सकती हैं कि नहीं वो माँ बाप को उतना प्यार एक मतलब नहीं है जितना होना चाहिए. आई नो आई गेट, किसी लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से प्यार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, आई अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह ने डाला, मगर ये समझ सही आर्टिकल ऑफ फेथ के अंदर उस लव की डिमांड क्या है. तो उससे पहले आप फेथ को हटा दें जरा एक सेकंड के लिए और लव की डिमांड समझ लें. जब तक आप लव की ओरिजिनल डिमांड नहीं समझेंगे तब तक तो हमें नबी इस्लाम से प्यार करने की तो बात भी नहीं करनी, हम तो किसी और इंसान से प्यार करने के काबिल नहीं अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लव नहीं समझ आ रहा. सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लव को समझें कि अल्लाह ने ये प्यार उल्फत ये जो जज्बा है ना ये किस चीज के ऊपर ठहराया हुआ है. आप किसी भी इंसान से प्यार कर नहीं सकते जब तक कि आप अपनी तमाम तर हस्ती को, खुलिए को और खुलिए को उसके लिए मिटाने के लिए तैयार ना हो. ये बेसिक समझ लें क्या कि मैं स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मेंटेन करूं. स्टैंडर्ड्स है ना जिस स्टैंडर्ड की सेंसिटिविटी है ना सीरा को बयान करने के लिए, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं इस वक्त आपके दिमाग में कि आप किसी भी लड़की से या लड़के से, किसी बीवी से या शोहर से, किसी बच्चे से या बच्ची से, किसी बेटे से या बेटी से, किसी मम्मी से या अब्बू से, किसी भी बाप से, माँ से, किसी भी लीडर से, किसी भी फॉलोअर से, किसी भी फैन से, किसी भी सेलिब्रिटी से, किसी अपने आप से भी, जब तक आप अपने एक एक बॉडी के सेल को, पैसे तो छोड़े दूर रह गए, अपनी हस्ती को भी मिटाने के लिए तैयार ना हो, अगर नौबत आए तो, नौबत आए तो कि इसको जरूरत है तो मैं देते हुए फुलफिलमेंट हो रही है मुझे, तस्कीन और कंप्लीशन का एहसास हो रहा हो कि अगर मेरे जिस्म का हिस्सा काट के उसको मिल रहा हो तो. ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लव है, ये अल्लाह ताला ने हमारे डिजाइन में डाली हुई है. जिसको जिससे भी प्यार हो ना, माँ को बच्चे से, और उस बच्चे को नौबत आई है तो माँ ने सबसे पहले छलांग लगाई कि मुझे काट दो, मुझे पूरे एक एक बोटी निकाल लो, इस बच्चे के अंदर डाल दो, इसको बचा लो. नबी इस्लाम के दौर में ही एक वाकया हुआ, एक औरत ने वैसे ही फ्रॉड का एक डिस्प्यूट डाल दिया एक बच्चे के बारे में कि बच्चा मेरा है. तो ओरिजिनल माँ उसने भी आके कह, ये क्या कर रही है बंदी, मैं छोटा करके बता रहा हूँ, वाकया लंबा है. तो नबी इस्लाम ने कहा कि आप ये दोनों औरतों का क्लेम है तो नहीं पता चल सकता किसका बच्चा, तो ऐसा करो बच्चे को आग में फेंक दो. दोनों खवातीन शॉक में चली गई. इतने में एक खातून ने कहा ऐसा कर, नहीं नहीं इसको आग में ना फेंके, ये इसको दे दें, इसका बच्चा. गौर समझे इस बात को कि अपनी माँ के तमाम तर पेडेस्टल तक को कुर्बान कर दिया उसने, अपनी माँ के पेडेस्टल को कुर्बान कर दिया कि मेरे साथ ना रहे, अकेला रहे तू बगैर माँ के पल, मगर बच जा बस, तेरी जान बचाने के लिए मैं अपनी तमाम तर लाइफ तेरे बगैर गुजारने के लिए तैयार हूं कि बस तू बच जा. नबी इस्लाम ने उसी वक्त कहा कि बस हमें पता चल गया ओरिजिनल माँ कौन, कि जो रियलिटी में सेक्रीफाइस दे सकती है, रियलिटी में सेक्रीफाइस कर सकती है अपने आप को अपने बच्चे के लिए. मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं माँ के थ्रू, और भी बड़े लोगों को असली में भी इश्क होता है दूसरे मियां बीवी, शोर और बीवी का इश्क मैंने देखा है, आपने भी देखा है. आप उसकी
सेंट्रल डेफिनेशन को कभी भी नहीं रीइंटरप्रेट करेंगे अपनी मर्जी से. क्या भला सेंट्रल डेफिनेशन है कि सैक्रिफाइस इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ लव. एसेंस ऑफ लव. मैं कोई और लव यूज कर सकता था, मैंने जान के सैक्रिफाइस पर इतफाक किया. क्योंकि सीरा के बाद जब भी एप्लीकेशन टेस्ट होगा, इसको एप्लीकेशन टेस्ट ही बोलेंगे, मुसलमान का एप्लीकेशन टेस्ट होगा सीरा के ऊपर, नबी इस्लाम से प्यार के ऊपर, तो एप्लीकेशन टेस्ट में कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होगी, कॉमन सेंस की, कि अच्छा नबी इस्लाम से प्यार करते हो तो फिर फॉलो क्यों नहीं करते. फॉलो करने के पीछे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, लोग सैक्रिफाइस नहीं कर सक रहे. गॉड हैज समने द रिलीजन ऑफ लव, द लव टुवर्ड्स अल्लाह सुबहान तआला, द लव टुवर्ड्स द प्रोफेट सल्लम, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ बिठाई अल्लाह ने. अब आपको उमर खत्ताब और नबी इस्लाम की वो मुकालमा समझ आएगा, वो डायलॉग समझ आएगा कि उमर क्या तू प्यार करता है मेरे से, अपने से भी ज्यादा. हज़रत उमर ने साफ बताया नहीं मैं करता. क्यों बताया उन्होंने? कि काफी सारी ऐसी चीजें जो उनको इंट्रोस्पेक्टिवली पता है अपने बारे में कि ये मैं नहीं छोड़ सकता यार, मैं ये काम नहीं कर सकता, एक खास जगह पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं आके. सच सच बताया उन्होंने. ये नहीं हुआ कि एक मजलिस से निकले अचानक उनको प्यार हो गया और वापस आके उन्होंने कहा हाँ अब मैं आपसे ज्यादा प्यार, आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, यही फ्लेवर देंगे. ऐसे चुटकी बजा के प्यार नहीं होता किसी को, याद रखिएगा. उन्होंने अपनी उस सैक्रिफाइस एलिमेंट को, गिविंग एलिमेंट को टेस्ट किया, किधर किधर मैं अपने आप को बचा सकता हूं. हर जगह पे उन्होंने जवाब अपने आप को बताया कि आइंदा तूने किसी भी जगह पे अपने आप को नहीं बचाना. अपने से बात हो रही है उमर खत्ताब की, कॉन्शियस डिसीजन लेके आए कि अब जिधर जिधर मैं अपने आप को बचाऊंगा उधर उधर मैं अपने आप को कुर्बान करूंगा अपने नबी के लिए. ये फैसला करके अगले मजलिस में आए, वो पै दर पै मजालिस हैं दोनों कि यार रसूलल्लाह अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, वरना आप मुझे बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा दिल है कि जो घंटा पहले कहता मैं प्यार नहीं करता और आके घंटा पहले कहता मुझे प्यार हो गया. वही इंसान है, कोई नया वाकया नहीं हुआ, जस्टिफाई कैसे करेंगे कि अचानक क्यों प्यार हो गया, घंटा पहले तो नहीं था. ये हदीस सुनता हूं मैं और मैं हैरान होता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देते हैं. ये एक्सप्लेनेशन रीजनिंग के साथ रैशनलिज्म के अंदर मौजूद है. अगर लव के कॉन्सेप्ट को रैशनली एक्सप्लेन किया जाए और उसके टेस्ट इंसानी फितरा के अंदर अल्लाह ने डाले में कि कुर्बानी नहीं तो प्यार नहीं, जो मर्जी कर ले, सिंपल. और इस्लाम कुर्बानी ही मांगता है. जब कुरान ने बात की कुर्बानी मांग ली इंसान से, जब कुरान ने पाक ने डिमांड की इंसानी कुर्बानी की बात, किस चीज की? औलादुकुम, सोचें जरा, औलादुकुम, अमवालुकुम, अनफुसकुम, अपने आप कुर्बान कर, अपने बच्चे कुर्बान कर, अपने माल कुर्बान कर. अल्लाह ताला तो बाद ही सैक्रिफाइस कर रहे. जब तक आपको ये सैक्रिफाइस समझ नहीं आएगी तब तक ये सीरा का सेशन आगे नहीं चलेगा. तब तक आपको लव का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा. जब तक लव का नहीं समझ आएगा कॉन्सेप्ट, तब तक आपको नबी इस्लाम को देखने का की नफसियात समझ नहीं आएगी. ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि जब हम सीरा के 15वें 20वें 25वें किस्त में होंगे तो बेसिक स्टैंडर्ड हमने स्टेंसिल ही रखा होगा. भैया ये कहानी तो कॉमन सेंस की हमने बिठा ली है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करते हो तो फिर ये 50-50 90-10 80-20 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब अपना बेटा अस्पताल में होता है, अपनी बेटी अस्पताल में होता है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है नबी अलैहिस्सलाम के सामने, उसके लिए हम 100/100 110/100 भी देते. क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस हम सबको हमारी फितरा में पता है, उसके लिए किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं. फितरा में पता है कि सब कुछ कुर्बान करूंगा अपने बच्चे पे. I'm going to finish this session today on the stroke of azan. 2 minutes azan सुन लें, उसके बाद we will stop the recording because I have exceeded the time limit. ये जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को किसी तरीके, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मुस्लिम समझाना जरूरी है, उस साइकोलॉजी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है.
Yeah, I'm just going to take a few questions now, and then just a few, okay, two or three questions only, please. And we're going to continue this. We are going to define this concept so deeply, inshallah, so deeply. If we have not done this without this psychological disposition ki establishment, then बिल्कुल उसी तरीके से कोई और मामला भी चेंज नहीं होना, सिर्फ सीरा की एक रिवीजन हो जानी है हमारी, और हमें अवेयरनेस लेवल पे तो पता चल जाएगा नबी इस्लाम का, मगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस लेवल के ऊपर, एक्शन लेवल के ऊपर, अपने ईमान की तकमील के ऊपर हमें नहीं समझ आएगी, वो मकसद फौत हो जाएगा सीरा का। हमने मकसद ये नहीं है कि आपको नबी इस्लाम का पता हो, मकसद ये है कि नबी इस्लाम की लाइफ को हमने अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये है हमारा मकसद। Gee, so let me just take a few questions, just only. Nasira, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, assalamu alaikum. Tayyib. Hey, Nasira. Jee, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jee, wa alaikum assalam. Aapne haath khada kiya bhai, isliye maine aapka कोई बात नहीं, क्वेश्चन इस बढ़िया जी ना सर। ओके, नो क्वेश्चन, सॉरी शोर हो रहा है, मैं जो बात नहीं कर सकती, सॉरी। ओके, आमना अस्सलाम वालेकुम। अबीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी अबीर जी। सर मेरे दो सवाल थे, एक तो ये कि अगर हमें ये पता हो कि नेक्स्ट सेशन में आप किन टॉपिक्स पे बात करेंगे तो अगर हम यानी अच्छा टारगेट होगा वीक में मुताले के लिए, और दूसरा सवाल ये था कि हम लोग अपनी सीरा को हम किस तरह देखें, क्योंकि जो इसके पीछे वाकया है कि मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, ये कि मक्की पीरियड जो है उसके अंदर मामलात मुख्तलिफ थे और मदनी के अंदर मुख्तलिफ थे, तो अभी जो है वो हमें अपने आप को किस तरह देखना चाहिए, मक्की पीरियड में से अपने आप को कंपेयर करें अपनी लाइफ को या मदनी पीरियड को, तो हमें ओवरऑल हिसाब से देखना पड़ेगा। मामलात आपने लेने और तो मदनी पीरियड के लेने ना, दीन के मामलात, मगर नबी इस्लाम की हिस्ट्री को आपने ना सिर्फ मक्की बल्कि मक्की और मदनी मिला के जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, अक्यूमुलेटिव, नबी इस्लाम की जो हस्ती मक्का में जिस तरीके से फ्लरिश की थी, मदीना में तो उसकी एप्लीकेशन की है नबी इस्लाम, जिस तरीके से नबी इस्लाम ने पूरी दुनिया को अपने मक्का के टफेस्ट टाइम के अंदर सहारा है ना, सहारा मतलब बर्दाश्त किया है उस जहलिया के मक्का को, वो तो स्ट्रेंथ है नबी इस्लाम की। जब एज अ पर्सन फर्द लेंगे आप, तो फिर आप दोनों को इकट्ठा लेंगे, मगर दीन की एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली मदीना से लेंगे ना। जब अहकाम आ गए हैं, और काफी सारे आपको पता है ना, मदीना में ऐसे काफी सारे अहकाम अल्लाह के नबी इस्लाम ने शाह फरमाए जो मक्का में नहीं शाह फरमाए थे, तो आप मक्का के थ्रू अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो ये तो जान के फिर छुपने वाली बात हुई मदीना की लाइफ से। मदीना इज द फाइनल
नबी इस्लाम की सीरा के थ्रू ये बात बहुत क्लियरली असूल में भी यही वाजे की जाती है, उलमा ने असूल वाजे किया हुआ है और कॉमन सेंस का भी असूल यही था कि नमाज ही पढ़नी है तो नबी इस्लाम की आखिरी नमाज से लेनी है। अहकाम किसी भी लेवल के ऊपर नबी इस्लाम से लेना है तो नबी इस्लाम के लेटेस्ट अहकाम लेने, क्योंकि किसी भी मौके पर कोई भी चीज अल्लाह ताला ने क्या पता तरतीब में बदली हो या तफसील में बदली या तरकीब में बदली हो, जब अल्लाह ताला ने अल यौम अकमलतु के लिए कह दिया नबी इस्लाम को कि बस अब दीन कंप्लीट हो गया, तो उस तक आप गौर समझें कितनी बड़ी एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और वो भी उन स्टैंडर्ड्स में अल्लाह और उसके रसूल हमसे खिताब कर रहे हैं, तो उसके बाद हम ये नहीं करेंगे हम जाके पीछे जाके कोई ऐसी एग्जाम्पल ले लें मक्का में कि जहां पे कोई भी और कॉन्टेक्स्ट था और वहां पे कोई मजबूरन कोई ऐसा काम, या फिर उस वक्त हुक्म आया ही नहीं हुआ था किसी चीज का, मक्का में तो काफी सारे अहकाम आए नहीं हुए, हम मक्का की लाइफ को दीन में अप्लाई कैसे करें, अहकाम तो आई मदीना में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और टॉपिक में शुरू में कभी भी नहीं बता सकूंगा, मैं आपको एक हिंट करा दूंगा, क्वेश्चन पेपर हम पहले रिलीज करवा देंगे ताकि आपको पता हो कि ये वाला सवाल जो है ना किसी वजह से पूछे जा रहे। अभी भी मुझे सादिया से गुड डान पढ़नी है, उन्होंने मुझे कोर्ट लाइन दी हुई थी, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं डायरेक्टली उस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को ट्रिगर करूं जब तक कि नफ्सियात पूरी तरीके से एस्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, टुक अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि मेरे जहन में इतनी सारी शक्लें आती हैं उन यूथ के, बच्चों की, लड़कियों की, लड़कों की, जो मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में, और उनको कॉन्सेप्ट ऑफ नबी इस्लाम तो पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लविंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता ही नहीं। वैसे लड़की से प्यार करेगा तो जान दे देगा, लड़के से प्यार करेगी तो जान दे देगी, एक एक आर्टिकल पूरा होगा प्यार मोहब्बत का, मगर नबी से प्यार करेगा तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होगा, तो नारे ऊंचे मारेगा उसकी। ठीक है, आप खुद बताएं क्या आप नहीं देखती कि आजकल की माँ सब जगहों से सब चीजों से नबी इस्लाम को प्यार ज्यादा करेगी, मगर अपने बच्चों की बारी आएगी तो तिलमिला उठेगी कि नहीं चले बच्चे बच जाए ईमान बेशक ले जाओ। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ लव बिठाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से प्यार का हक क्या है मेरे नबी से। ठीक है, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस की करीने साजा खोलता रहूंगा, आपको भी पता मैं क्या कह रहा हूं। जी मैंने और किसको अनम्यूट किया था, एक मिनट भाई, उमर, उमर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नेहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लास्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई मसला है। यह यही क्लास 7:30 बजे है मेरी, इसलिए मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं। आयशा यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। दैट्स पहली दफा ऐसे हो रहा है, नुमान इज अनम्यूटिंग, ऐसी क्या बात है। नुमान अस्सलाम वालेकुम, नुमान खान वालेकुम अस्सलाम, सर क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं कि जरूरत पड़ते हैं तो सलाम उसका जवाब देते हैं, तो मतलब इस टाइम वो अभी जिंदा है, तो इस टाइम वो क्या कर रहे हैं और किधर हैं? देखिए इसका जवाब तो उलमा ने बहुत तफसील से दिया हुआ है कि नबी इस्लाम तक फरिश्ते दुरूद का, और हदीस भी यही है ना, फरिश्ता मुझे पहुंचाता है, तो दुनिया में है तो फरिश्ता तो नहीं पहुंचाएगा ना। ठीक है, तो उलमा ने बड़ी तफसील से इसके बाद बयान बात की है, और सब स्कूल ऑफ थॉट इस पे मुत्तफिक हैं कि वो जहां पर भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बाद का इंतजाम करना होता है वहां पर नबी इस्लाम को फरिश्ता दुरूद पहुंचा देता है और जवाब भी देते हैं इसका। ठीक है, तो उसका कोई ऐसा, उसका कोई और मतलब नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसका और मतलब लिया ना लोगों ने, आपको पता है ना लोगों ने क्या मतलब लेके कहां तक पहुंचा दिए बात जी। ठीक है, सो जी महवेश अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम इब्राहिम जी, बस इब्राहिम लास्ट क्वेश्चन पूछेगा बस, छोटा सा सर। अभी आपने जो हजरत उमर का वाक्य सुनाया रजी अल्लाह तआला अन्हु का, सर मैं एक थोड़ा सा गिल्ट भी है, अफसोस भी है कि अभी तक इतनी मोहब्बत मैं नहीं कर सका अपने नबी से, तो सर एक हफ्ते में या आगे की जिंदगी में मैं ऐसा क्या करूं कि अगली क्लास में मैं ये दावा कर सकूं कि मैं अपने से, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करता हूं? माशाल्लाह, क्या खूबसूरत सवाल किया आपने, वही कैथारसिस करें जो उमर बिन खत्ताब ने जाके किया, कैथारसिस से किया ना कि किधर किधर कुर्बानी दे सकता हूं मैं नबी इस्लाम के, किस किस हुक्म के ऊपर कुर्बानी, जो मेरे दिक्कत आती है वो दिक्कत ही नोटिस की ना उन्होंने। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर?
बेटा इससे छोटी और इससे जामे एक्सप्लेनेशन मेरे जेहन में नहीं आ रही कि किधर किधर जाके आप इस्लाम के उस मामले को कॉम्प्रोमाइज स्टेटस पे ले आते हैं कि यार यहाँ पे तो फिर पैसे लग जाएंगे, यहाँ पे तो फिर जान लग जाएगी, यहाँ पे तो फिर वक्त लग जाएगा, यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम अपनी कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, और इस्लाम को कंजूसी से और दुनिया को पूरे असराफ से जीते हैं, समझ रहे ना। तो हाँ, तो मैंने यही कैथारसिस किया था कि मैं अपने आप को किधर ऊपर कर देता हूँ कि नहीं मुझे जो चीज मिल रही है वो चाहिए और जहां पे इस्लाम और मेरा तसादम होता है। ठीक है, नबी इस्लाम क्या इस्लाम है ना, नबी इस्लाम ने अपने लिए तो कोई डिमांड नहीं किया। आप बताएं मेरे नबी ने आज तक अपने लिए क्या मांगे हमसे, बताएं क्या मांगे, जब वो जिंदा थे तब भी कब क्या मांगते थे अपने लिए। नबी की ग्रेस ही नहीं है कि अपने लिए कुछ मांगे, हमने नबी की ग्रेस कहती है कि कुछ नहीं मुझे नहीं तुम कुछ दे सकते। मुझे मिसाल देखे बताएं नबी इस्लाम ने अपने लिए कुछ डिमांड किया, गौर से समझे इस बात को। नबी इस्लाम को जब भी हम कहते हैं नबी से प्यार करना है तो असल में इस्लाम से प्यार करना होता है, नबी इस्लाम की उन इंस्ट्रक्शन से उन अहकाम से उन रिशादात को पूरा करके प्यार करना होता है। ठीक है, मैं आगे कवर करूंगा उस वक्त के प्रेजेंट सहाबा जो नबी इस्लाम के टाइम पे जिंदा थे उनसे क्या डिमांड थी नबी इस्लाम को, इस्लाम की डिमांड, और हमसे क्या डिमांड थी। नबी इस्लाम ने बताया है हजरत मुआज के साथ क्लियरली बताया, जब उनको दूर भेज रहे थे ना, यमन भेज रहे थे, नबी इस्लाम को पता था और कह दिया था नबी इस्लाम ने कि आप शायद मुलाकात ना हो। हजरत मुआज रो रहे हैं, नबी इस्लाम साथ चल रहे हैं और भेज रहे हैं यमन के लिए कि जा यमन संभाल जाके, और दोनों को पता है आखिरी मुलाकात है। तो हजरत मुआज ने कहा मैं इस वक्त दूर हो जाऊं आपसे, नबी इस्लाम ने कहा दूरी और कुर्बत जमीन में जो है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी मोहब्बत से, फिक्र ना करें। मैं आपको तफसीलें बताऊंगा ना अभी हमने कवर करना है। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सहाबा इकराम के एक्शंस साइकोलॉजिकली समझ नहीं आ सकते आपको अगर लव का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकली समझ नहीं आएगा। सहाबा इकराम अजीब लव लगेगा, अजीब बातें ये उस वक्त ये झूठे किस्से हैं, अल्लाह की कसम झूठे किस्से लगेंगे अगर लव का कॉन्सेप्ट ना समझा। मैं आपको अपनी मिसाल लेके बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में देखा लड़कों को लड़कियों के लिए और लड़कियों को लड़कों के लिए वो स्टेप्स उठाते हुए, वो स्टेप्स उठाते हुए क्यों, बिकॉज आई लव हर और बिकॉज आई लव हिम। और मुझे तो खुद कहा है ना कुछ लोगों ने, कई लोगों ने कहा है मेरे तो वन ऑन वन कोचिंग सेशन होते हैं कि सर मुझे लव के कॉन्सेप्ट के बाद लड़की इस लड़की के प्यार में मुझे समझ आया कि प्यार होता क्या है, अब मैं इस्लाम के लिए भी कर सकता हूं, अब मुझे पता चला है मैं तो सारी उम्र सेल्फिश रहा हूं, इस औरत ने या इस मर्द ने मुझे सेल्फलेस कर दिया, मेरे मुंह में मुस्कुराहट ही होती है उस वक्त, अल्लाह किस मौके पे क्या दिखा देते हैं। वो छोड़ते कहती है बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पता चला है कि मैं तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी अपने माँ से भी बाप से भी शोर से भी, सिंसियरिटी तो आप समझ आइए बच्चे को देख के। फिर मैं भी कहता हूं अच्छा आप समझ आ गए चैनल करना बेटा, आप बच्चे के थ्रू समझ आइए, अल्लाह ताला ने बच्चे भी कुर्बान करने के लिए कह दिया। सोचे कि तूने समझ जिसके थ्रू आई, अल्लाह ने कहा चल जैसे आपके अब तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ आएंगे। मैंने तो बड़े तफसील से जाना है उस किस्से में जब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वॉक करते हुए जा रहे हैं उस जगह पे जहां पे भी गला काटना है अपने बेटे का मेरे नबी ने, प्यार होता क्या पहले ये समझ लें, फिर पता चलेगा नबी से प्यार कैसे करना है, सहाबा की नेचर लाइफ समझ आएगी आपको। मैं आपको ना बस लास्ट खत्म करते हैं, मैं आपको सच्चा ख्वाब सुनाता हूँ एक बंदे का, सिर्फ सादिक आदमी है वो माशाल्लाह का सबसे बड़ा वली मेरी लाइफ में जो गुजरा है, उसने मुझे ख्वाब सुनाया अपना पुराना वाकया। ही सेड कि मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब भी क्या देखा कि देखें कहता है कि मैं जीप में जा रहा हूँ पहाड़ पे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम साहब तशरीफ फरमाए और पीछे चारों अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खत्ताब उस्मान गनी और अली बिन अबी तालिब बैठे हैं, जीप पहाड़ की तरफ जा रही और कहते हैं कि जीप इतने में मैंने चेक देखा कि जीप की तो ब्रेक फेल हो गई और पीछे जाने लगेगी, अभी उसने अपनी मोमेंटम पकड़ा हुआ, जैसे ही रुकेगी ये जीप अब तो ब्रेक ही नहीं है तो गिरेगी गिरेगी। कहता मैं जीप से निकला हूं और मैंने देखा कि किधर कौन से पत्थर है और मैं पत्थर पकड़ूं और वापस आऊं, मुझे खुद सुना रहे बंदा ख्वाब, मेरे जहन में भी गुजर रहा है कि अच्छा ख्वाब है ना, अब मैं ये तो नहीं कहता अच्छा तू उस वक्त ये कर लेता या उस वक्त वो कर लेता, असली वाकया थोड़ी हुआ ये तो ख्वाब आया उसको, हम खाली आंखें ऐसे फाड़ के सुन रहे हैं, चार बंदे थे मुझे याद है कि ये क्या ख्वाब देख लिए। कहता मैं वो पत्थर ढूंढा और भाग के आया हूं कि मैं पत्थर टार के नीचे रखूं अपने नबी को बचाऊं, तो आगे क्या देखता है, देखता है कि एक एक टायर के पीछे अबू बकर सिद्दीक उमर खत्ताब अली बिन अबी तालिब और उस्मान गनी ने अपना सर रखा हुआ, सेकंड ही लगाया चारों ने अपना सर रखा कि तू पत्थर ढूंढने में कौन कौन चांस ले, कौन चांस ले,
ये नौ पत्थर देर से मिले, कौन कौन ये वाले इम्तहान में फेल हो जाए उसी वक्त अपने आप को कुर्बान कर। बहाना ढूंढता था साहबी, बहाना ढूंढता था कि कब मेरी जान निकले मेरे नबी के लिए। सुबह को लटकाया हुआ दरख्त से उन्होंने, दरख्त हाथ बांधे ऊपर, पैर नीचे से बांधे रस्सी से, और चमड़ी लोहे के उस तरह से चमड़ी और छुरी से चमड़ी उतारनी शुरू कर दी, स्किन उतारनी शुरू कर दी। सोचें कि स्किन पे कट ना आए, पूरी की पूरी स्किन उतारेंगे तेरी, जिंदा है हजरत खुबाब। और जैसे उन्होंने छुरी से कट लगाना शुरू किया है, हजरत खुबाब रोना शुरू हो गए। तो नाजार मुस्कुराया और कहता है कि निकली है ना जान, अब बहुत शौक है ना मुसलमान होने का, नबी इस्लाम के बारे में गलत कलमात बोलने के लिए कह रहा था कि छोड़ देंगे तुझे नबी इस्लाम के बारे में। और हालांकि इस्लाम में इजाजत है कि अगर ये नो बता दे तकिया कर लो, कि थोड़ी देर के लिए उन लोगों को, उन खबीसों को, उनकी ये डिमांड पूरी कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ईमान अल्लाह को पता, फिक्र नहीं करो, जान इस वक्त बचती है बचा लो। बाप ने कहा नहीं, मैं करता ऐसी कोई बात अपने नबी के बारे में। उन्होंने फिर शोल्डर से कट लगाना शुरू किया कि स्किन उतारेंगे तेरी तो पूरी की पूरी काटेंगे यहां से, और फिर खींचेंगे इस, और उतारी उन्होंने। ऐसे ही शहीद हुए, उसी वक्त ही शहीद हुए, मगर जैसे पहले ही कट लगा तो अब सो बाप ऐसे घूर रहे और रो रहे। नीचे से कहता है आप होश आई है, अभी भी वक्त है, गल कलाम गल दे गाली नबी अपने नबी, निकली है ना जान, आंसू बाहर आए ना। तो खबाब ने उसको कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं तो इसलिए सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि सिर्फ एक जान मेरे नबी के लिए, सिर्फ एक जान कुर्बान कर सकता हूँ मैं, बस खुल के काट और पूरा तसल्ली करी अपनी मेरे चमड़ी उत्तर कि कोई चीज तुम्हारे दिल में ना कोई कसर रह जाए। ये बातें समझ से बाहर हैं, झूठी किस्से लगती हैं, देवमालाई कहानियां लगती हैं, अगर हम लव के कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज नहीं करते। और मैं खुदा की कसम जानता हूं हर इंसान करता है ना, किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए, बेटे के लिए, मां के लिए करता ही करता है। जब मैं कहता हूं कि नबी इस्लाम के लिए डिमांड अल्लाह ने कर दी है, तब आपको अभी मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ प्रोग्राम में कि कितनी खूबसूरत आड़, इससे ज्यादा हिकमत की डिमांड पूरे की पूरी तमाम डिमांड में इंसानी नफ्सियात को क्रिएशन जब अल्लाह ताला ने क्रिएट कर दिया होगा, मैं तो नहीं कोई होता सोचने वाला, अल्लाह के बयान पे सामने ये हिकमत जाहिर हो रही है कि जब अल्लाह ने ये मशीन बनाई है ना इंसान की, तो मशीन को देखते अल्लाह ने कहा आप इसके ऊपर ये आर्टिकल लगाते हैं, इतने खूबसूरत कंप्लीशन है कि अगर इस्लाम सच्चा दीन है, अगर इस्लाम सच्चा दीन है और वाकई वो रब है जिसने कायनात बनाई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हदीस है कि तुम में से कोई शख्स ईमान लाए नहीं जब तक अल्लाह और उसके रसूल को अपने पैदा किए, जिसने पैदा किए माँ बाप और जो तुमने पैदा किए औलाद, इन दोनों मैट्रिक्स या दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दुनिया में उससे ज्यादा अजीज नहीं रखता। इतनी खूबसूरत साइकोलॉजी सेटल की अल्लाह मशीन को देखा और मशीन का मैनुअल बता दी कि इस्लाम पे चलना है तो सबसे पहले ये, वरना कुछ भी करोगे इस्लाम कॉम्प्रोमाइज कर लो। ओके, सो आई होप वी सेट द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आई एम नॉट गोना स्टॉप टॉकिंग अबाउट लव, जो मर्जी कर लूंगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ लव के बारे में बात खत्म नहीं करूंगा, जिसको असल में प्यार इश्क की एक्सपोजर मिले है ना, जिस मर्जी रिश्ते के थ्रू मिले उसको पता है कि सबसे पहले, सबसे पहले मैंने ना काफी सारे लोगों के साथ बात की हुई है, जिन जिन ने नबी इस्लाम को देखा है ख्वाब में ना, काफी सारे लोगों से बात की। मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि देख के फर्स्ट फीलिंग क्या थी। जितने भी लोगों से मैंने बात की उनमें ज्यादातर लोगों ने एक ही जुमला बोला है, एक ही जुमला कि जिन्होंने नबी इस्लाम को ऐसे देखा जैसे सामने से देखा, कॉमन कॉमन फ्रेजेस बता रहा हूं, मतलब सबका एक ही था, जुमले अलग अलग इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहली फीलिंग नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक को देख के पता क्या था, ये वाली हदीस इसकी मैनिफेस्टेशन कि कितना आसान है अपने बच्चे इस शख्सियत पे कुर्बान, इतना आसान है। एक जगह कोई देख ले उसी वक्त सबसे पहली फीलिंग आती है मेरे बच्चे कुर्बान है, मेरे माँ बाप कुर्बान। ये मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जो मुझे बाहर अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में मिले, ये साहबा की बात नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली फीलिंग आती है कि सबसे पहले मैं कुछ कुर्बानी दे के बताऊं इस शख्सियत को कि मैं क्या फील क्या कर रहा हूँ, तब पता चलेगा। नबी इस्लाम से जब साहबा बात कर रहे थे तो सबसे पहला जुमला ये क्यों बोलते, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, वो फीलिंग बता रहे थे यार आपकी आपकी
شکل مبارک چہرے مبارک کو دیکھ کے میری فیلنگ ہی آ رہی ہے. ورنہ محبوبوں کو آئی لو یو بولتے رہتے ہیں, کہتے ہیں آر فلفلمنٹ ملتی ہے بات کر کے, اس کے بغیر وہ ہی نہیں ہوتی, کمپلیشن ہی نہیں ہوتی. ہاں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی, صحیح کہتے ہیں وہ. ماں باپ کو بھی کہہ دینا کہ ماں باپ امی مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے, کمپلیشن ہے, فلفلمنٹ ہے اس ایموشن کی. محبوبہ کو بھی, محبوب کو بھی, عاشق کو بھی, معشوق کو بھی, سب کو یہ فلفلمنٹ چاہیے. ہاں ہاں مانتے ہیں, مگر جیسے ہی بات اسی ایموشن کی آتی ہے نبی علیہ السلام کے لیے, تو سب سے پہلے صحابی ثبوت دیتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ سلامت کو کہتے ہوں یہ جان چاہیے مان پاؤں, نو نو نو, الٹا ایگزیکٹ الٹا ہے اس کا. وہ پیار میں مسکراتے ہوئے ایسے نچھاور کرتے تھے ماں باپ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا لاڈ میں, کتنے پیار سے بھر جاتا ہے دل بچے کو دیکھ کے. اس طریقے سے صحابہ نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کے دل بھر جاتا تھا ان کا پیار سے, کہ امٹ آتا تھا بھائی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان, مجھے حکم دے کیا کروں. لٹرلی اصلی میں ماں باپ قربان کرنے کا بہانہ دے مجھے کچھ, مجھے کوئی بہانہ دے یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ پہ قربان کر دوں, اپنے بچے آپ پہ قربان کر دوں. یہ صحابی کی سائیکالوجی کیسے آ رہی تھی اندر سے, دل ایسے امٹ رہا تھا پیار سے, ہماری کیوں نہیں آ رہی؟ صحابی دوڑ لگا رہے ہیں, نبی اسلام وضو فرما وہ کر رہے ہیں اور نیچے بھاگ رہے ہیں, صحابی کونی سے کترا ٹپک رہا ہے نیچے کا کر کے وضو کر رہے ہیں. کر کے دکھائے آپ کوئی اپنی محبوب اور عاشق کے لیے. غور سے سمجھے صحابی کی نفسیات کیا ہے. اوکے سو آئی ہیو انادر کلاس. سر کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں خواب میں؟ دل نرم کر لو بیٹا, میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا, آزمودہ اس لیے بتا رہا ہوں, دل نرم کر لو. ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو زیارتیں ہوئی ہیں نا, اصلی والی زیارتیں جو تفصیلی زیارتیں ہوئی ہیں, ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے ان لوگوں میں, کہ ان کے دل بہت نرم ہیں. سر صلہ رحمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش ہو. جی ہاں, جب دل نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کے دریچے کھلتے ہیں جس کے تھرو آپ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تشریف لے کے آتے, ہم جاتے ہیں ان کی مجلس محافل میں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے سر, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوریون, آئی ول سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. انشاءاللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام.